करते हैं लेकिन हस्बैंड का हमें बुरा रखते हैं। ये चीज में मेरा आइडिया है, मैं सोचती हूँ कि मे बी जो हस्बैंड है या वालिद है केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हम उसको नेगेटिव दे रहे हो, मे बी समटाइम्स ऐसा हो, समटाइम्स हो, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कि जब हस्बैंड किसी किस्म के भी कॉम्प्लेक्स में तो भी वो साइकोलॉजिकल वायलेंस कर सकते थोड़ा ही समझना मेरी अथॉरिटी है ये, मैं ये अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अगले को ह्यूमिलेट करो, अथॉरिटी असर्ट करने के बहुत सारे तमीजदार उनके साथ करना, आप जो है म्यूचुअल कंसेंसस के साथ कि एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताओ तो फिर आप उसको मैनेज करें। कितनी होनी चाहिए या एक बंदा कहता है यू आर गेटिंग इनटू माय प्राइवेसी, As far as I am concerned, मैं तो किसी की टेरिटरी में स्टेप इन नहीं करती जब तक वो इजाजत दे। अगर वो इजाजत देते तो फिर शायद मैं फालतू हो जाता। उसमें ये होता है कि हस्बैंड को वाइफ को बट वाइफ को हस्बैंड को स्पेस देनी चाहिए। आप हर वक्त एक दूसरे को चेक नहीं कर सकते, हर वक्त इकट्ठे सांस नहीं ले सकते, कुछ चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर आती है, कुछ उसकी आती है, उसका मार्जिन एक दूसरे को देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। प्राइवेसी में इसमें थोड़ा सा एक ऐसी इशू आ जाता है जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम पोजेसिव होते हैं अपने रिश्तों के, अगर मर्द है तो औरत नहीं है, ठीक है, मर्द तीन मर्द लिबर्टी ले सकता है, औरत ये नहीं ले सकती, तो फिर कहीं ना कहीं जाके वो अपनी बीवी को घर के अंदर उससे प्राइवेसी को किस लिमिट सेट नहीं करना, ठीक है, मतलब अगर मेरा मैं अपनी बात नहीं करती, कोई मर्द भी किसी औरत को ये कहे कि भाई ये मेरी जायदाद है, ये मेरे पैसे हैं, पर ये तुम्हारे नाम है, ये मेरे नाम, ठीक है, और मैं कहीं भी जाऊं लौटूंगा तो तेरे पास ही हूं, मेरे ख्याल में फिर थोड़ी तसल्ली हो जाएगी औरत को, वो उसके ऊपर इतना चेक्स नहीं रखेगी। औरत की शादी के बाद एवेन्यूज वैसे कम हो जाते हैं, बच्चे हो गए मसलन, एक रिस्पांसिबिलिटीज उसकी, उसके बच्चे जो है मोस्टली तो ये होता है अगर उनको कोई तकलीफ देगा तो वो उसको तकलीफ, तो वो कोशिश यही करती है कि अगर उसको कहीं पर गुजारा नहीं हो रहा तो भी वो करे ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, क्योंकि कोई और मर्द वो नहीं एक्सेप्ट उनका बाप नहीं बनेगा, कोई और औरत उनकी, लेकिन हस्बैंड ये नहीं सोचता या मर्द ये नहीं सोचता, वो अक्सर दूसरी शादी कर लेते हैं कि जी बिकॉज उनकी शादी दूसरी करते हैं बच्चों के लिए वहां लेके आए, कभी भी माँ नहीं बनती है, कभी हमने बचपन से वो सिंड्रेला वाली माए सुनी हुई है, है ना, वही वो सही माँ सुनी हुई हमने बचपन से। अच्छा सुनील जी, मैं बेसिकली जिस तरह के लिए तो मैंने प्राइवेसी की आपसे बात की, बात ये मैं चाह रही थी कि ये जो लॉकडाउन है, हमने लॉकडाउन किया वैसे भी जो डोमेस्टिक साइकोलॉजिकल वायलेंस आता है ये होता है, उसको हर वक्त एक इनविजिबल किस्म का दर्द है, ठीक है, all the time she और ही हिफाजत मर्दों पे भी है कि all the time they are in a state of fear। एक खातून से मैं मिली, एक दिन का हम माशाल्लाह डेली सुबह सुबह शाम तीन दफा डोर देते थे मारने, उनकी जैसे कि फिजिकल भी होता था मेंटली। अच्छा मैंने उसको देखा हर वक्त वो डरी हुई खातून, हर वक्त का हौसला all the time। अब कुछ ऐसा हुआ कि मारना तो बंद हो गया, वो किसी वजह से किसी डर से है, वो भी फैमिली ने दोबारा भी इंक्लूड किया, लेकिन वो ऑल द टाइम शी वाज इन अ स्टेट ऑफ फियर, वो हर वक्त खौफ़ज़दा हालत में रहती थी,
उनको उस वजह से बहुत सारी बीमारियां टेंशन में आपको पता है कितनी बीमारियां यानी अब डर के अब अभी भी कुछ कह देगा अभी ऑल द टाइम शी इज अलर्ट घर के सारी चीजों को उसने ये किया हुआ है हर चीज के अगर व्हेन शी डाइड द लास्ट वर्ड फॉर ये थे कि मैंने दूध उबाल दिया उसको ढक्कन में ये फौत होते हुए उसके अल्फाज थे जो मैंने लोगों से सुने मैंने यानी इतनी वो फियर में थी इतनी ये जो साइकोलॉजिकल अब्यूज है ना इसके अंदर जो खातून की लाइफ है अगर औरत पे हुआ तो दैट इज लाइक वॉकिंग ऑन द एक्शंस एक्शंस छिलके होते हैं ना उसके एक्शंस उनके ऊपर और वो टूटे भी ना इट्स लाइक दैट मसलन आटा गूंदे हिंदी हाँ वो शाउट करे हाँ नाराज हो डांटे कोल्ड रिस्पांस दे इंडिफरेंस हो जाए उसको उसके पेरेंट्स से ना मिलने दे आने जाने ना दे फ्रेंड से लेता कर दे ये सारी चीजें ऐसी हैं अभी इस मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसको हम कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एक घर के अंदर आप रह रहे हैं और एक बंदा कंटिन्यूअसली भले वाइफ भले हस्बैंड वो उसको साइकोलॉजिकली डाउन कर रहा है फील करा रहा है उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहने देता खाना ठीक नहीं बनाया टाइम पर नहीं दिया या दूसरों की तारीफ करनी उसके सामने या दूसरों के सामने उसको डाउन फील कराना उसकी बदतारीफी करनी ये सारी चीजें अल्टीमेटली एंड अप करती हैं या कर सकती हैं इनटू अ मेंटल डिसऑर्डर ये थी कि इसका या तो एक औरत एक बस हो गई एक यूनिट को प्लस वो छोड़ देगी उसकी आपने उसे फाइनेंशियली भी बिल्कुल वो हाँ लिहाज से उसके अंदर ये है कि पैसे भी उसके ऊपर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नहीं रहने नहीं नहीं करती ये तो अलग ही बच्चों की दवाई नहीं ले सकती वो हाँ। मतलब हस्बैंड पहले तो उससे ये पूछेगा कि तुमने बीमार कर तुमने टेक केयर नहीं किया उसको प्रॉपरली इसलिए वो बीमार हो गया फिर ये कि वो खातून कहती है कि सारा दिन मैं घर पे काम करती हूँ और वो आया है और मैं कुछ थोड़ा लेट कर दिया खाना या कोई मसला पड़ गया बच्चे को लुक आफ्टर कराया तो वो उसने कहा कि जी तुम सारा दिन करते हो यानी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है जो वो करते बल्कि तो है तो उसकी सुप्रीमेसी है एक बस इससे ज्यादा नहीं और औरत की क्या वो अनपेड सर्वेंट है और वो काम कर रही है सबका ख्याल रखती है सब और फिर उसको कोई शाबाशी भी नहीं देता कि जी सबसे पहले उठती है सबसे आगे बढ़ती है आपने अगर ये सारे घर के काम कराने हैं तो आप अगर एक मेड रखें तो आप कितने पैसे को बचा और उस मेड को आप चार दिन डांटे या दो दिन डांटे हो छोड़ के जरूर तो कहीं और जाके काम करते लेकिन औरत एक ऐसी अनपेड मुलाजमा होती है जो फॉर लाइफ होती है और फिर मतलब उसकी एक्नॉलेजमेंट तो है दूर की बात है उसकी निगेशन होती रहती है इसमें ना फिर एक बात आपको सॉरी मैं आपको बात काट रही हूँ इस इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस तीन तरह की होती है इमोशनल सेक्शुअल एंड फिजिकल फिजिकल के ऊपर कोई सजा मिल सकती है बट वो भी बहुत सालों के बाद लंबी एक हिस्ट्री है जब उसको वरना उसको प्राइवेट अफेयर कहा था अब जाके सिवाय यूरोपीय यूनियन के कहीं पे भी साइकोलॉजिकल अब्यूज के ऊपर कोई दफा नहीं लगती लेकिन यूरोपीय यूनियन के लोगों ने कहा है कि ये उतने ही डेंजरस है जितनी फिजिकल अब्यूज है उसके ऊपर भी वही सजा मिलनी चाहिए जो फिजिकल के ऊपर तो मे बी फिर फैल जाए और प्रूफ कर दे प्रूफ हो सकता है इसका उस हाँ वो प्रूफ करते हैं हाँ एक बंदे को बायोलॉजिकल तो है नहीं और अगर उसको इन्वायरमेंटल हो गया तो इन्वायरमेंट में कौन है उसको इंटीमेट पार्टनर में फादर भी आ जाते हैं ब्रदर भी वाइफ भी हस्बैंड भी लेकिन अगर हम सिर्फ हस्बैंड की बात करें तो वहां पर जाकर
अगर उनके ऊपर अब्यूज हो रही है तो वो उसको उतना ही बुरा मानते हैं या उतना ही काबिल सजा समझते हैं जितना फिजिकल। साइकोलॉजिकल अब्यूज की बात करें जरूरी तो नहीं है कि ये एक ही बंदे से हो, ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ सास और बंदू का बंदू है ये बंदू भी हो सकता है मदर हो सकता है। इंटीमेट लाइक पार्टनर वॉयलेंस वो है जो आपके क्लोज रिश्तेदार क्लोज वो आपके साथ ऐसे डिस्करेजमेंट हो सकता है। और तीसरा का आपने बताया दोनों का अफेयर था या मोहब्बत थी या रिश्ता था मेल और फीमेल का और वो खत्म हो गया शादी से पहले हो गया या शादी के बाद जो शादी के बाद उसकी ज्यादा वो डेंजरस इसमें वो उनको स्टॉक करना शुरू करते हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं जहाँ वो जाए उनके पीछे जाते हैं उनको हैरेस करते हैं लाइक मारेंगे नहीं मगर उनको डरा के रखा वो तो टाइम ऑफ एबीएस को करते हाँ। रहते हैं कि वी आर देयर तो वो और भी डेंजरस है कि वो घर से ही बाहर नहीं जा सकते और स्टॉकिंग को आप ये ले लें कि जी जब डिवोर्स कर देते हैं हमारे गांव में तो वो शादी नहीं करने देते समटाइम्स जब कर देते हैं तो वो जान से मार देते हैं पीछे से भी सारे मामला कर रहे हैं मतलब वो इतना स्टॉकिंग बिहेवियर इतना डेंजरस है आजकल तो है थोड़ा सा वो हैरेसमेंट वगैरह में उसको ले लेते हैं किया हुआ है मगर ये है कि वो आदमी की कितनी जिंदगी वो कर सकता है मुश्किल इसका अंदाजा करें मतलब ये है कि अभी तक तो हमने ये सीखा है कि फिजिकल अब्यूज बुरी बात है और उसका कोई इलाज होना चाहिए साइकोलॉजिकल के ऊपर जाते जाते हमें बात लग रही है। थैंक यू सुमेरा जी बहुत शुक्रिया आपने इतनी अच्छी बातें की और बहुत सारे हमने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बातें की हैं आज और अभी तो हमने अभी इसका आप सेकंड अगला पार्ट जो आप देखेंगे उसमें हम इसके हल भी बताएंगे आपको येट हमने आपको वो तमाम चीजें हाईलाइट की है। अच्छा इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी आसमान आपने बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस किए मुझे उनके ऊपर सोचना पड़ा फिर मैंने आपको जवाब चलिए जी हमारा कभी कभी आजमाइश पर भी डालना चाहिए ना अपने हमारे आप और मुझे पता था कि आप दे लेंगी दैट्स इट बहुत शुक्रिया आपकी गाँव में याद रखिएगा इजाजत दीजिएगा मुझे और हमारी बहुत प्यारी संगत जी और हमारे चैनल को और हमारे हाँ एक तो इम्पोर्टेंट बात थी चैनल को उसमें सब्सक्राइब कीजिएगा कोई कमेंट्स कीजिएगा कोई और बात पे टॉपिक पे आप समझे कि हमारी एक्सपर्ट बैठी है और उस पर आपने कोई आपको कोई बात नहीं लगी उस पर भी हम वाजे चाहते हैं एक्चुअली अभी तो हम हाईलाइट हमने शुरू किया है चीजें कुछ हाईलाइट कर देंगे हमारे से कुछ सेंसिटिव इश्यूज का होता है मसला लाइक कुछ को पसंद आते हैं कुछ हाँ जरूरी नहीं है कि आप हमारी राय से मुत्तफिक हो मुखालफत भी हो सकती है एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये भी एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है इसका भी इलाज इसका थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच